दोस्तों बॉलीवुड में अजय देवगन, अक्षय कुमार बहुत ही बड़ा नाम है। ये दोनों ही सितारे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रूल करते हुए नजर आते हैं। अक्षय कुमार के पास लंबा लाइनअप है तो अजय भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, लेकिन अक्षय ने अजय से एक बाजी मार ली है। गौरतलब है दोस्तों, मोहम्मद गजनी को सबसे बड़ी टक्कर देने वाले एक ऐसे इतिहास में महापुरुष, एक महाराजा जिसका नाम दोस्तों हमेशा से इतिहास के पन्नों में दब गया, नाम है सुहेल देव। इसकी कहानी को फिल्म में उतारने के लिए दोस्तों तैयार है डायरेक्टर विकास सिंह, और उसके लिए तानाजी देखने के बाद अजय देवगन को लगभग फाइनल कर दिया था। लेकिन अब आई खबर के अनुसार दोस्तों अजय देवगन को रिप्लेस कर लिया है अक्षय कुमार ने, यानी कि दोस्तों अक्षय कुमार एक और हिस्टोरिकल फिल्म में हमें नज़र आएंगे। सुहेल देव की दोस्तों किताब अमिश एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस किताब है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद ऑफ गजनी बहुत ही बड़े यहाँ पे हिंदू साम्राज्य के लिए मुसीबत थे और मंदिर तोड़ने का काम करते थे। उन्हें रोकने के लिए दोस्तों सुहेल देव ने जो प्रयास किए, जो उन्हें टक्कर दी, वो भारतीय इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दब गए। इस कहानी को दोस्तों बड़े पर्दे पर उतारने के लिए अजय देवगन नहीं, अब हमें अक्षय कुमार नजर आएंगे सुहेल देव का कैरेक्टर प्ले करते हुए। डायरेक्टर ने अपना फैसला इसलिए बदला क्योंकि अक्षय कुमार उन्हें अजय देवगन से ज़्यादा फिट और उनसे ज़्यादा आक्रामक लगे, और इसलिए दोस्तों अब अक्षय कुमार हमें सुहेल देव की बायोपिक में नजर आएंगे। हालांकि फिल्म की दोस्तों रिलीज डेट या फिर इसकी शूटिंग कब शुरू होगी, इस बारे में कोई भी टिप्पणी या फिर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही ये सब हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अजय देवगन को रिप्लेस करके क्या अक्षय कुमार सुहेल देव की बायोपिक में जमेंगे या अजय ही बेटर थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों देखो देखो, ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।